नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ पल्लवी और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे आलू मेथी की सब्जी रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करें। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए सिंपल आलू मेथी की सब्जी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने पहले कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लिया है। कढ़ाई जैसे ही गर्म हो जाता है इसके अंदर डाल रहा हूँ 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल। ऑयल के अच्छे से गर्म होने दें। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाता है इसके अंदर डाल रहा हूँ 1 टीस्पून साबुत जीरा, 1 सूखी लाल मिर्ची। इसे हम कुछ समय के लिए फ्राई कर लेंगे। अब इसमें डाल रहा हूँ 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 1 सॉफ्ट होने तक हम फ्राई करेंगे। प्याज सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें जा रहा है 7 से 5 बारीक कटा हुआ लहसुन की कलियां। इसे हम कुछ समय के लिए फ्राई करेंगे। अब इसमें डाल रहा हूँ 1 आलू। इसे पहले पील ऑफ कर लिया है, उसके बाद इसे अच्छे से धोकर क्यूब्स में काट लिया है। इसे हम सड़े कर लेंगे। इसे ढककर लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए हम कुक कर लेंगे। 5 से 7 मिनट के बाद ढक्कन हटा मैंने, मिला दे अच्छे से। आलू को 80% कुक करना है, 20% हम मेथी के साथ पकाएंगे। तो आप इसमें जा रहा है 1/4 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। सारे चीजों को अच्छे से मिला दें। तो आप देख सकते हैं मसाला आलू के साथ कोट हो चुका है। तो आप इसमें जा रहा है 1/2 किलो मेथी के पत्ते यानी कि फेनुग्रीक लीव्स। इसे पहले अच्छे से धोकर ऐसे ही बारीक काट लिया है। सारे चीजों को अच्छे से मिला देते हो। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। आप इसे ढक कर लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 20-20 मिनट चलाते रहे। तो 5 से 7 मिनट के बाद ढक्कन हटाया मैंने, इसे मिला देती हूँ अच्छे से। तो हमारा आलू मेथी की सब्जी बनकर तैयार है। अब हमें करना है गैस का फ्लेम ऑफ और इसे हम सर्विंग प्लेट में निकाल देंगे। देखिए हमारा आलू मेथी की सब्जी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे रोटी, पराठा, चपाती के साथ खाएं या फिर प्लेन दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, ये बहुत ही पौष्टिक होते हैं, बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं। तो आप इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करें और कैसा लगा कमेंट भी करें। तो
अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।